हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विक्टर्स किचन। आज हम बनाएंगे झटपट मटन। मैंने इसको झटपट मटन नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये एक बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश है और इस डिश को बनाने में हम ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए ये एक ज़ीरो ऑयल मटन डिश है। झटपट मटन बनाना बहुत ही आसान है। आइए झटपट देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने लिया 300 ग्राम मटन, 3 बड़े साइज की प्याज कटी हुई, गरम मसाला, जीरा, धनिया पाउडर, 1 इंच के करीब कटा हुआ अदरक, 4-5 कलियां लहसुन की कटी हुई, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और नमक। खड़े मसालों में लिया है तेजपात, दालचीनी, साबुत लाल मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च। आइए झटपट मटन बनाना शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में सबसे पहले हम मटन डाल लेते हैं। अब इसमें हम कटी हुई प्याज डाल लेते हैं। अब इसमें कटा हुआ लहसुन और अदरक भी डाल देते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में हम सारे मसाले भी एक साथ ही डालेंगे। मैं सबसे पहले सारे खड़े मसाले डाल देती हूँ। बड़ी और छोटी इलायची को हम क्रश करके डालेंगे। अब बाकी मसाले भी डाल देते हैं। 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, और आप नमक अपनी स्वादानुसार भी डाल सकते हैं। आप प्रेशर कुकर को गैस पे रख लेते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने एक भी ड्रॉप ऑयल का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हम इस रेसिपी में बिल्कुल भी ऑयल यूज़ करने वाले नहीं हैं। हम मीडियम लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक मटन, प्याज और सारे मसालों को अच्छी तरीके से भूनेंगे, जिससे कि मटन के अंदर मसालों की खुशबू अच्छी तरीके से चली जाए। देखिए, 5 मिनट हो गए हैं। नमक डालने से प्याज ने भी अपना पानी रिलीज कर दिया है और मटन के अंदर भी जो नेचुरल फैट होता है वो भी रिलीज होना शुरू हो गया है। झटपट मटन इसी नेचुरल फैट में कुक होगा। भूनते हुए हमें 8 से 10 मिनट हो गए हैं। भुने हुए मसालों और मटन की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब प्रेशर कुकर को बंद करके 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम कुक करेंगे। रेसिपी को सही से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। 15 मिनट हो गए हैं, आइए देखते हैं। अरे वाह, मटन और मसालों की बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। आइए देखते हैं मटन गला की नहीं। मटन बहुत ही बढ़िया गल गया है। फ्रेंड्स, हमने इसमें ऑयल का यूज़ नहीं किया है, इसलिए आप ये ना सोचें कि ये मटन उबला हुआ सा और टेस्ट में बहुत ही फीका होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये मटन अपने नेचुरल फैट में तैयार हो रहा है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और जायकेदार बनेगा। आइए मैं आपको दिखाती हूँ मटन से जो नेचुरल ऑयल रिलीज हुआ है। ये देखिए, झटपट मटन ड्राई और लगा लिपटा हुआ सा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा और भून करके इसका पानी सुखा लूंगी जिससे सारे मसाले इस पर अच्छी तरीके से लिपट जाए। ये देखिए, मैंने पानी सारा सुखा लिया है और मटन बहुत अच्छी तरीके से भून करके तैयार हो गया है।
ये देखिए प्याज और सारे मसाले भी इस पर अच्छी तरीके से लिपट गए हैं और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ये देखिए बिना ऑयल डाले कितना बढ़िया झटपट मटन बनकर तैयार हो गया है। ये ड्राई है इसलिए हम इसको स्नैक्स की तरह भी सर्व कर सकते हैं या फिर हम इसको रोटी नान पराठे के साथ भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।